हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशाज क्रिएशंस। हमेशा की तरह पहले मैं मटेरियल्स आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं कुछ आज से अलग स्टार्ट कर रही हूँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक मटेरियल्स हैं। इफ़ यू आर बिगनर, अभी तक आप बिगनर नहीं रह गए होंगे इस वीडियो तक, क्योंकि आपने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख ली हैं। और अब हम छोटी छोटी पिक्स उठाकर चलेंगे। जैसे कि वार्ली पेंटिंग जो हमारी होती है वो सोशल लाइफ से कनेक्टेड होती है, हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होती है। माइथोलॉजी से वार्ली पेंटिंग का कोई कनेक्शन नहीं था, बट नाउ डज पीपल आर डूइंग विथ माइथोलॉजी भी। तो हम माइथोलॉजी से भी करेंगे, बट बेसिक जो एसेंस है इस वार्ली पेंटिंग का सोशल लाइफ, तो उसकी स्मॉल स्मॉल पेंटिंग हम स्टार्ट करेंगे और बाद में हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से भी बताएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मटेरियल्स हैं वो है पेंसिल, इज इरेजर एंड शार्पनर, एंड इफ यू आर यूजिंग वाइट पेपर देन यू नीड ब्लैक स्केच पेन, और इफ यू आर यूजिंग ब्लैक पेपर देन यू नीड वाइट मार्कर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पिक बना रहे हैं, एक सिंपल वार्ली लाइफ की पिक, सोशल लाइफ वाली बना रहे हैं। उसके लिए आपको आपको अपनी आउटलाइन बनानी है, ओके? ये हमारा एक पिक्चर है जो हमें मिल गया, जिस पे हमें आज वार्ली का कुछ बनाना है इम्पोर्टेंट। और आज से हम वार्ली पेंटिंग की पिक्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल को दिखाते हुए। तो सबसे पहले हम ट्री से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं, सॉरी बर्ड बनाते हैं। आपने बर्ड बहुत सारे फॉर्म्स में देखी हैं, हम इस वाली बर्ड से सिखाते हैं जो आपने नंबर वन पे शुरू की थी। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं एक फिगर यहाँ, मैं तीन फिगर्स की पेंटिंग बनाती हूँ। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लिए कि आपको पेंटिंग्स फिगर्स कहाँ बनाने हैं। नंबर वन मैं यहाँ बनाऊँगी, नंबर टू यहाँ एंड नंबर थ्री यहाँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेंटिंग से। तो हमें ये दिखाना है कि गर्ल्स आर डांसिंग एंड वन गर्ल इज़ प्लेइंग समथिंग, सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली हमारा पर्सन है तो हम पहले डांसिंग को बना लेते हैं। डांसिंग के लिए थोड़ी सी स्लांटेड, क्योंकि दे आर मूविंग, और आपने ये कर लिया। ठीक है, इसके डिस्टेंस में दूसरी है तो आप दूसरी को भी थोड़ा सा, ओके? एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपर बॉडी इज मूविंग पर ये वाला जो है थोड़ा तिरछा होगा, बट ये स्टैंडिंग में होंगी, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप इसको पहले कलर कर लीजिए। हमारी पोजीशन सही है इन गर्ल्स की, तो मैंने कलर कर लिया। अगर आपकी पोजीशनिंग सही नहीं है तो आप इरेज करिए और पहले पेंसिल से प्लेस कर दीजिए कि आपको कहाँ पे बनाना है। ओके, ये हमारी दो गर्ल्स हैं जो डांसिंग है। अभी मैं पहले इसका लेग मूवमेंट आपको बताती हूँ। ये डांस कर रही है तो लाइक थोड़ा सा ऐसे कर रही है, और इसका लेग जो है, ठीक है, ये जो डांस कर रही है इसके लेग मूवमेंट को थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करते हैं लाइक ऐसे, क्योंकि डांस मूवमेंट में पैर आपके शेक करते हैं। अभी हम पहले हेड बना देते हैं। दे आर गर्ल्स, तो हम गर्ल्स की एक्सेसरी डालेंगे। फर्स्ट हम पहले हैंड मूवमेंट बताते हैं। डांसिंग पोजीशन है तो इनके हाथ अपर साइड पे होंगे बिकॉज दे आर डांसिंग। इनका भी एक हाथ ऊपर करते हैं और एक हाथ इनका नीचे करते हैं। ठीक है, लगना चाहिए कि ये डांस कर रही हैं। आप यहाँ पे जस्ट थोड़ा ऐसे एक सर्कल्स डाल दीजिए। अब ये हमारी गर्ल्स हैं तो आप बन डाल दीजिए
और थोड़ी सी एसेसरीज यहाँ डाल दीजिए। गर्ल्स हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, इनके हैंड में आप इनको कुछ पहना दीजिए। ओके, ये हमारी डांसिंग गर्ल हो गई। अब वो बंदा है जो कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये हमारी प्लेस थी इंस्ट्रूमेंटल वाले बंदे की। तो पहले तो हम अपर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अभी पहले आएगा यहां से। ये जो आपका बॉडी पोर्शन है यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज ही इज प्लेइंग सम ढोलक टाइप ऑफ थिंग। ओके, यहां पे आप सर्कल बनाइए। अब हाफ बॉडी इसके अंदर छुप गई है और हाफ बॉडी इसके अंदर भी छुपेगी, ये यहां तक। आप ये अज्यूम करिए कि इतनी आई है और इतनी ही विजिबल है। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये छुप गई है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मुझे क्या करना है, इसको मैं ढोलक के डिजाइन में कवर करूंगी। और ये सिंपल ढंग से खड़ा होके सिर्फ प्ले कर रहा है ये बंदा। अब इसका हेड होगा, दिस इज मेल, तो हम कोई भी विमेन एसेसरीज या विमेन बन नहीं बनाएंगे। और ये जस्ट ये प्ले कर रहा है, तो इसके हाथ में ओके ये हुआ। अब इसकी डिजाइन बनाने के लिए हम पहले लाइंस दे देंगे। ओके, इसको हम पूरा ब्लैक करते हैं। सपोज ये हमारा हाफ, हमारी ढोलक हाफ ब्लैक एंड ऐसी है। ओके, ये हो गया सिंपल पैटर्न। अभी यहाँ पे आप कुछ ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने कुछ ग्रास को दिखा दिया, तो जस्ट यू नीड टू ड्रॉ सम लाइंस ओवर देयर। ओके, आप इसको डबल कर दीजिए जिससे आप इसको थिक एक लाइन दे पाइए। हमारी वार्ली पूरी डे टू डे लाइफ को डिपेक्ट करती थी, सोशल लाइफ को, सेरेमनीज को, फंक्शंस को, मैरिज फंक्शंस को, बर्थ सेरेमनी को, और उनकी जो भी सोशल लाइफ थी। इसका माइथोलॉजी से कनेक्शन नहीं था, क्योंकि हमारी ये अकेली आर्ट जो माइथोलॉजी से कनेक्टेड नहीं थी। पर समटाइम्स पीपल आर डूइंग, आप एक काम कर सकते हो, इसको आप पूरा भी ब्लैक कलर कर सकते हैं, या आप इसमें कुछ स्टोन्स डाल सकते हैं। मैं इसको पूरा ही ब्लैक कर रही हूँ। ओके, इनोवेशन हर जगह हो सकती है, तो आज के टाइम पे हम स्टोरी टेलिंग में महाभारत को भी ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, हम भगवत गीता की स्टोरी टेलिंग वार्ली के थ्रू बताते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। बट जो इसकी एसेंस थी वो इसका सोशल लाइफ था, और सोशल लाइफ में उनकी जो भी डेली की एक्टिविटीज़ थी, लाइक उनकी फार्मिंग, उनकी स्विंगिंग, लेडीज़ आर डूइंग सम वर्क, किचन होल्ड वर्क, दे आर डूइंग सम वर्शिप, पूजा, वो सारी चीज़ें ये इसमें दिखाते थे। तो बेसिकली एसेंस इसका जो था वो डे टू डे लाइफ और सोशल लाइफ, डेली लाइफ पे डिपेंड था, जो कि हमारी वार्ली की ब्यूटी थी। ओके, तो जो भी अब पिक्स बने, इसको मैं कलर भी कर सकती थी, बट अभी मेरे हाथ में स्केच पेन था तो मैंने इसको स्केच पेन कर दिया। आप फिनिशिंग के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए प्लीज़ कलर यूज़ करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन कवर करने के लिए स्केच पेन इज़ नॉट द गुड थिंग। आप उसको कलर्स के साथ यूज़ करिएगा। ये आपने बना दिया। अब जो है आप यहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स भी बना सकते हैं। जैसे क्लाउड्स बनाने के लिए आप
अभी दे आर डांसिंग, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट दे सकते हैं कि दे आर हैप्पी, दैट्स वाई दे आर डांसिंग. ओके, एक बर्ड आप यहाँ छोटी सी डाल सकते हैं. अभी ये जो हमारा बॉर्डर था, उस बॉर्डर को हम बहुत सिंपल ढंग से थोड़ा सा बॉर्डर बना देते हैं, बिकॉज दिस इज पिक्चर, तो आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत है. ऐसे करके आप बॉर्डर बना सकते हैं. जो बॉर्डर है उसको आप फिल भी कर सकते हैं, या इसके नीचे आप ये वाली बॉर्डर भी कर सकते हैं. अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे, एवरीथिंग सब जगह पे बिल्कुल हैप्पीनेस है. लाइक ये जो बॉर्डर भी है हैप्पीनेस शो कर रही है. दे आर हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, बर्ड्स आर फ्लाइंग सो दिस इज़ हैप्पी, क्लाउड्स आर रेनिंग सो ये भी हैप्पी हैं. हमारी ये वाली पोजिशनिंग अच्छी है. तो ये जो हमारा बॉर्डर है, ये एक छोटी सी पिक्चर है वार्ली की, जो आप कंप्लीट बना सकते हैं. सेकेंड थिंग, इसमें आप ट्री भी डाल सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, बट सिंपल सिटी एंड नेचुरलिटी ही वार्ली आर्ट की ब्यूटी है. तो दिस फर्स्ट पेंटिंग इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आज मैंने आप लोगों को ये पेंटिंग कराई है. जैसे जैसे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे, हम आपको थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स कराएंगे और वार्ली के हर एक फॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ. बाय.